This series of the formula trigonometric function. सबसे पहले formula हम करेंगे sin x plus y. इसका formula होता है sin x cos y plus cos x. भी कहा यूज करेंगे हम इसको, फिर ऐसे ही आ जाएगा साइन बटा एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा साइन एक्स और वाई माइनस कॉस एक्स साइन. अब इनके यूज हम कहां करते हैं, जैसे एग्जाम में आपको पेपर में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 degree, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि 75 डिग्री आपका टेबल में नहीं है, तो आपको पता है ये आ जाएगा 45 प्लस 30, तो ये आपका x हो गया, ये क्या हो गया y हो जाएगा. उल्टा भी हो सकता है, जैसे आपको बोला जाए साइन 15 की वजह निकालो, तो वो आप लिख सकते हो साइन 60 माइनस 45, ये वैसे भी हो सकता है. इसकी एप्लीकेशन भी क्लियर होगी कि आपको दोनों चीजें लगेंगी ऐसे. तो ये बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, पर जो इसका मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो ये वाला है. अब मैं फर्स्ट इंस्टांस पे इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया है साइन एक्स प्लस वाई. आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहे कि कैसे हो गया, रट्टा नहीं मारना ना, पॉइंट तो रखते कर. दिस इज टू साइन एक्स कॉस वाई. अब मैंने आपको बोला अब इसको क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई करना है, तो हम बोलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी एंड एक्स माइनस वाई. एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू ना, और वाई की वैल्यू क्या आ गई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू. तो आपने अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो आपकी जो फॉर्मूले की इक्वेशन बन गई वो बन गई साइन सी, इसको याद हम ऐसे ही करते हैं साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी ये निकली इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू. अब हम जैसे आगे जाएंगे इसको सिमिलरली हम इसका इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास ये आ गया. सब्ट्रैक्शन में ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, साइन 7x प्लस 3x. तो मेरे पास फॉर्मूला लग गया, ये वाला कहाँ गया उस, ठीक है सिंपलीफाई. अब हम ये लगाएंगे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे वो भी डिपेंड करेगा कि आंसर में हमें क्या चाहिए,
अगर वो बोलता है फाइंड दी सॉल्व फॉर दी वैल्यू ऑफ एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, तो फिर तो मुझे फॉर्मूला लाना पड़ेगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व फॉर एक्स, ओके, तो ये आपको आ गया उत्तर टू साइन फाइव एक्स एंड कॉस टू एक्स। तो आप कह सकते हैं या तो साइन फाइव एक्स जीरो के बराबर होगा या कॉस टू एक्स जीरो के बराबर होगा, हम इसको बाद में करेंगे, पर ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम इसको आगे करेंगे एक्सरसाइज। ये हो गया आपका साइन का फॉर्मूला, अब हम चल पड़ेंगे इस पे कॉस पे, गॉट इट। तो ये आपको पता लग गया कैसे सॉल्व होना है, आपने खुद सॉल्व करके देखना है, कभी याद रहेगा नहीं तो फॉर्मूला कभी याद नहीं रहेगा जब तक खुद नहीं सॉल्व करके देखोगे भी ये बन कैसे रहा। अगर टाइम होगा पेपर में खुद भी बना सकते हो, कई बार भूल जाता है इंसान। फिर फॉर्मूला हो गया cos x plus y, ठीक है, ये आपका लगता है कि इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है। तो cos x plus y क्या होगा, तो cos x cos y minus sin x साइन, यहां प्लस है तो यहां माइनस, और इसका बेटा उल्टा, दोनों को ऐड किया तो आपके पास बन गया फॉर्मूला cos x plus y plus cos x minus y is equal to 2 cos x cos y। सब जैसे मैंने पीछे किया था सब्स्टिट्यूट करके, तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन जाता है cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by। तो फॉर्मूला c और d की फॉर्म में ही याद रखना, ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, इससे हम ये निकालेंगे। इसमें वही रूल आएगा कि हम अगर मुझे पेपर में बोले कि cos 15 डिग्री निकालो, तो ये आएगा 60 माइनस 45, तो 45 माइनस 30, ठीक, और ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं या इसको उल्टा करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, तो आपको बस ये फॉर्म। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखने वाली, मेरे ख्याल से अब काम क्लियर हो गया, तो आपने एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है। बाय, टेक केयर।